डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है भूपेन हजारिका की जयंती। आज यानी 8 सितंबर को महान गायक भूपेन हजारिका की जयंती पर देश ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यह गायक, कवि, संगीतकार, अभिनेता, पत्रकार, लेखक और फिल्म निर्माता थे। इस वर्ष ये उनकी 97वीं जयंती मनाई जा रही है। चलिए अब जानते हैं डॉक्टर भूपेन हजारिका के बारे में। तो इनका जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के तिनसुकिया जिले में हुआ था। असम के प्रसिद्ध पार्श्व गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका ने बेहद कम उम्र में ही अपने संगीत करियर की शुरुआत की। इन्होंने 1946 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया, जबकि 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से जनसंचार में PhD की उपाधि हासिल की। पॉल रॉबसन से प्रभावित होकर इन्होंने रॉबसन की ओल्ड मैन रिवर की कल्पना व थीम पर आधारित प्रसिद्ध गीत बिस्तरनो परेरो और गंगा बहती हो क्यों की रचना की। हजारिका पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक सुधारकों में से एक थे। इनके गीतों में सुख दुख, एकता, साहस, रोमांस और अकेलेपन तथा संघर्ष और दृढ़ संकल्प के बारे में लोगों की कहानियां दिखाई देती हैं। इन्होंने शकुंतला सुर और प्रतिध्वनि जैसे कई पुरस्कार विजेता फिल्में बनाई। 5 नवंबर 2011 को 85 वर्ष की आयु में मुंबई में इनका निधन हो गया। चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं इनको मिले हुए पुरस्कारों और सम्मान की। 1975 में सर्वश्रेष्ठ संत निर्देशन के लिए राष्ट्र पुरस्कार मिला। 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 2012 में मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण दिया गया और 2019 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।